नमस्कार, इस समय हम कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें कि आज से गीता जयंती का जो आगाज है वो हो चुका है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस अवसर पर पहुंचे हैं। तो तमाम तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कुरुक्षेत्र गीता जयंती समारोह की, जिसमें जो हरियाणवी कलाकार हैं अपनी संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से सीएम उनके पास जाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो तस्वीरें ये कुरुक्षेत्र की गीता जयंती महोत्सव की हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हम आपको सुनाते हैं सीएम मनोहर लाल ने जिला वासियों को या जो हरियाणा वासियों को क्या संदेश इस अवसर पर दिया है। हमने इस बार 10 जिलों में यात्री जो इस मेले में आना चाहते हैं उनके लिए 50% किराए के ऊपर, इससे पहले सिर्फ 5 जिले थे, इस बार 5 जिले और बढ़ाए हैं और जैसे जैसे उधर से उसकी उपयोगिता लगेगी आगे अगले वर्षों में आवश्यकता हुई तो और भी ज्यादा किराए। सीएम साहब, इससे गीता जयंती के आयोजन को इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या जहां से टूरिस्ट आता है इंटरनेशनल, वहां पे डिस्प्ले नहीं किया गया ताकि जो टूरिस्ट को पता चले कि गीता जयंती है, तभी वो लोग यहां पे आ सके, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ध्यान में है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर तो मैंने स्वयं बोर्ड देखे हैं, अब दिल्ली के एयरपोर्ट का मुझे ध्यान नहीं है, दिल्ली में किया है तो इसका मतलब है कि जो लोग आते जाते हैं बार बार वो उसको देखते हैं, कुरुक्षेत्र में जो बैठे रहते हैं उनको पता नहीं लगेगा एयरपोर्ट पर क्या है। पहली बार धार्मिक संस्थाओं के साथ बैठक ले रहे हैं, इससे पहले कभी किसी भी मंत्री ने सोचा नहीं समझा नहीं कि धार्मिक संस्थाएं को उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, पहली बार आप। देखिए, हर धार्मिक स्थान पर मंदिर पर जो ऐसे धर्मशालाएं हैं उनमें गीता जयंती के अवसर पर अपने अपने ढंग से कोई ना कोई रौनक वो करते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उनको बातचीत होने के बाद, मेरी एक मीटिंग पहले हो चुकी है, एक मीटिंग फिर 23 तारीख को है और हमने भी उनको कहा, उनकी इच्छा है कि एक अच्छा भविष्य रूप यहाँ निकलना चाहिए ताकि जो फुटफॉल यहाँ आता है गीता जयंती के नाम पर, क्योंकि ये काम ओवरनाइट एकदम नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने में ऐसे सब लोगों ने भी अपने अपने यहाँ सजावट करनी है, कोई प्रदर्शनियां लगानी है, कोई प्रवचन करना है, कोई कथा करनी है या अलग अलग दिन पर उन्होंने अपनी आरती का भी दिन अपना तय किया है कि एक दिन कोई एक संस्था अगले दूसरी संस्था से 15 दिन तक अलग अलग संस्थाएं आरती को करवाएंगी। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा संस्थाओं का उतना लोगों को भी आनंद आएगा और हमने तो ये भी कहा है कि इन सब प्रमुख स्थानों पर कोई एक रूट बना दे ताकि उस रूट पर पैदल चलने वाले पैदल चले, वाहन चलाने वाले छोटे रिक्शा है, थ्री व्हीलर है, ऑटो है या कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो बाद में बस की व्यवस्था भी सोच सकते हैं, लोगों की आवश्यकता के हिसाब से रूट बने ताकि हम कुंभ के मेले देखते हैं तो कुंभ के मेले जैसे व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे हैं ऐसे ही इस मेले की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और इसमें सहज तरीके से जो आगे बढ़ जाएंगे लोगों को उसका एक लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। Thank you.